हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। एक बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन टाइप लेके आ गया हूँ रिलेटेड टू द सर्ट्स एंड इंडाइसेस टॉपिक। यहाँ पे उन्होंने पहले तो हमें बोला है कि ये कुछ ऐसी कंडीशन आपके सामने दे दी गई है, 2x = 3y = 6z। ओके, और उसके बाद आपको वो बिल्कुल ही अनरिलेटेड सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रिस्पेक्टिव 1x + 1y + 1z एक्सप्रेशन। एक्चुअली अनरिलेटेड नहीं है, हम इसे रिलेट करने वाले हैं। कैसे रिलेट करेंगे वो अभी उन स्टेप्स को अभी हम देखते हैं कैसे हमें करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ओके, तो वो होगा कि भैया ये जो पहले गिवन कंडीशन है इसमें से हमें कुछ ऐसी चीज फाइंड आउट करनी होगी जिसके थ्रू हम इस रिस्पेक्टिव इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, एक रिस्पेक्टिव कॉन्स्टेंट के को इसे इक्वेट कर देते हैं। लेट्स इक्वेट टू सम कॉन्स्टेंट के, कुछ इस तरीके से हमने किया। अब उसके बाद का अगला स्टेप क्या है कि 2x जो है इट इज इक्वल टू k लाइक दिस इफ वी डू, तो इसे मैं किस तरीके से और लिख सकता हूं। आई कैन राइट इट इंस्टेड ऑफ दिस x हेयर, आई कैन राइट इट दिस एज 1/x। बात सही है, लिख सकता हूं। ओके, नेक्स्ट 3y = k, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, उसी तरीके से y 1/y बराबर है। सिमिलर फैशन में 6z - z = k को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/-z लाइक दिस। कैन आई राइट इट लाइक दिस, ठीक है, यहां तक मैंने लिख दिया इसे। ओके, तो ये मैंने लिख दिया है। अब मुझे अगला स्टेप क्या करना है कि वो तो उधर 6 है, एक कॉमन चीज आप नोट कर पा रहे हो, यहां पे 6 है और यहां पे 2 और 3 है, यानी कि अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 6 मिलने वाला है, बराबर है। तो अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 6 मिलने वाला हूं। बात यहां तक समझ में आ गई। अब ये 2 की वैल्यू क्या है, इट इज नथिंग बट k^(1/x) इंटू 3 की वैल्यू क्या है, k(1/y) और 6 की वैल्यू क्या है, k^(1/z) लाइक दिस, बराबर है। k^, ये सब रेस्टू है, ठीक है, इस तरीके से। बात यहां तक समझ में आ गई। अब यहां पे ये जो k है ये कॉमन है, ये जो k है ये कॉमन है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसे ऐसे लिख सकता हूं k^(1/x) प्लस, बिकॉज यहां मल्टीप्लीकेशन है, 1/y = k^(1/z) लाइक दिस। ओके ओके, अब मैं इसे और कैसे सिंपल कर सकता हूँ, ऊपर वाली टर्म्स को पकड़ो लाइक दिस, 1/x + 1/y = -1/z लाइक दिस, सिंपल। इसके अगला स्टेप ही हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, एंड देन फर्दर स्टेप इज दैट कि इस माइनस को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, प्लस कर देता हूँ, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, 1/x + 1/y + 1/z, यहाँ पे क्या बचता है, कुछ नहीं बचता, और जब कुछ नहीं बचता तो यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है, और यही हमारा आंसर है। पता भी नहीं चला कि हम आंसर तक पहुँच गए, करेक्ट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन कि भाई यही हमें चाहिए था, दैट इज व्हाट आई सेड इन द स्टार्टिंग कि हमें इन चीज़ों को रिलेट करना पड़ता है, जो गिवन कंडीशन है वहाँ से हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ता है, और जब हम यहाँ पे पहुँच गए तो हमें इसकी जो वैल्यू मिली वो है एक बड़ा सा जीरो। ओके, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस रिस्पेक्टिव एक्सप्रेशन विच इज नथिंग बट जीरो बेस्ड ऑन द कंडीशन दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। अगर दोस्तों ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, उससे भी ज़्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।